भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर मंगलवार को दुर्ग दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में जोश भरने दुर्ग जिले के दौरे पर निकले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर का दुर्ग पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्ग के पटेल चौक पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपाई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने ओम माथुर का स्वागत किया। इसके साथ ही दुर्ग के एक निजी संस्थान में भाजपा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर द्वारा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रणनीति बनाने टिप्स दिए गए। इस संबंध में भाजपा के उपाध्यक्ष केएस चौहान ने इस तरह की जानकारी दी। प्रदेश जो प्रभारी हैं श्री ओम माथुर जी, जिन्हें बहुत ज़्यादा संगठनात्मक नॉलेज है और अनुभव है, लगभग 52 सालों का अनुभव है, वो बूथ बूथ स्तर की बैठक लेने, बूथ जिला स्तर की बैठक लेने, संभाग स्तर की बैठक लेने आ जाएं। इतने बड़े संगठनात्मक जो पदाधिकारी हैं वो इतने निचले स्तर की बैठक लेते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और इसी संगठनात्मक ढांचे से और इसी संगठनात्मक जो कार्य से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज श्री ओम माथुर जी का जगह जगह स्वागत हुआ, जो कि सभी मंडलों ने किया, सभी प्रकोष्ठों ने किया, सभी मोर्चों ने किया, और बहुत भव्य स्वागत हुआ। और इससे एक जो दुर्ग जिले की और दुर्ग सभी विधानसभा की और ग्रामीण विधानसभा की ये दिखता है कि आज कितना कार्यकर्ता कितना उत्साहित है अपने नेता को यहाँ पर पाके, और उनको सुनने के लिए कितना उत्साहित है, कितना ललायत है। और हम कुछ ना कुछ उनसे सीख के जा रहे हैं आज यहाँ से, और बहुत ही अच्छे जो पथ प्रदर्शक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, आगे कैसे कार्य करना है वो समझने को मिला। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।